हाय फ्रेंड्स, आज कॉम्पैक V6000 का कीबोर्ड को कैसे रिमूव और लगाया जाए वो आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को चालू रखिए, हम और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये पुराने मॉडल का इसलिए मैं डालता हूँ कि पुराने मॉडल का ही लोगों को डिफ़िकल्टी आती है, तो इसलिए ये मैं V6000 जो लैपटॉप है कॉम्पैक्ट प्रेसारियो का, उसका कीबोर्ड कैसे निकाले मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से रखिए, ये देखिए ये कीबोर्ड है। लैपटॉप के बैक साइड में जाइए, लैपटॉप का बैटरी रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे की स्क्रू होते हैं, यहाँ पे स्क्रू होते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कीबोर्ड का सिम्बॉल रहता है, और ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कीबोर्ड का सिंबल होता है, तो उससे आप पहचान सकोगे कि वहाँ वहाँ स्क्रू होता है। दिख रहा है आपको कीबोर्ड का सिंबल होगा, ऐसा थोड़ी सी वायर जैसे दिखेगा, तो वो अगर उस सिंबल को आप जहाँ पे भी देखो ना तो वहाँ से स्क्रू निकाल दो। ठीक है दोस्तों, फिर वो स्क्रू निकालने के बाद स्क्रू निकल गए, फिर आप इस तरीके से इधर आ जाइए। इधर आने के बाद ये थोड़ा सा इसको उठाइए, ट्वीज़र चाहिए तो ले लीजिए। ये इसको खोल लीजिए, खोलने के बाद थोड़ा सा साइड से करेंगे तो कीबोर्ड ये आपको निकल आएगा। ये देखिए दोस्तों, आराम से धीरे धीरे निकालिए, सारी इधर स्क्रू रह गया, ध्यान से देखते हैं। हाँ देखिए, इधर का इधर के सिंबल का स्क्रू रह गया। ये निकल गया दोस्तों, इस तरीके से इसको निकाल लीजिए। ये लॉक है, लॉक को आगे की तरफ ढक ले, इस तरीके से केबल निकल जाएगी। ये कीबोर्ड हमारा निकल गया दोस्तों। अब इसी कीबोर्ड को लगाना कैसे है तो एक ही वीडियो में आपको बता दूँ, अलग अलग बनाने से अच्छा। अभी समझिए, आपके पास अब कीबोर्ड है तो ये कीबोर्ड को इस तरीके से लीजिए, ये इधर रखिए, कनेक्टर को ऐसा हाथ में पकड़िए, लॉक को ऑलरेडी खोल के रखिए और इसको इसमें इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करके ये दोनों साइड का जो लॉक है इसको इस तरीके से पुश कर दीजिए, लॉक हो गया। ध्यान से देखें, अब ये जो इसके ये दिख रहे लॉक, इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे, फ्रेम के अंदर बिठा देंगे दोस्तों। फिर ये अपना फ्रेम को इस तरीके से, ये हमारा कीबोर्ड देखो दोस्तों बैठ गया। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट पिसारियो V6000 का कीबोर्ड लगाने का तरीका है। और अगर आपको और कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमें बताएं, तो हम उस बारे में वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब रिलेटेड कुछ चैनल या कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए, तो मैं उसके वीडियो भी डालूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।